ये बहुत से लोग हैं जिनके लिए दाढ़ी शेव करना मुश्किल है। करोड़ों दे उनको से कहें दाढ़ी शेव करने हो गए नहीं बिल्कुल। और इसी माशरे में हम बहुत से लोग ऐसे भी देखते हैं जिनके लिए दाढ़ी रखना मुश्किल है। बहुत सी खवातीन है उनके लिए पर्दा न करना मुश्किल है। अपने जिस्म का कोई हिस्सा दिखाना खोलना मुश्किल, लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी हैं कि उनके लिए पर्दा करना मुश्किल, पूरे कपड़े पहनना उनके लिए मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसे हैं उनके लिए नमाज पढ़ना, मस्जिद पाबंदी से हाजिर होना पांच नमाजों के लिए उनके लिए मुश्किल, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि उनके लिए नमाज न पढ़ना और मस्जिद में हाजिरी न देना ये उनके लिए मुश्किल। इस तरह की बहुत सी मिसाल है। मुसलमान होने के बावजूद, कलमा गो होने के बावजूद ये फर्क क्यों है, ये फर्क क्यों है? अगर ये फर्क है तो ये फर्क तरबियत का है, ये फर्क दलील का नहीं है कि दलील के बुनियाद पे मुसलमानों का एक गिरोह करने पे कायल हुआ तो दूसरा गिरोह न करने पे कायल हुआ। ईमान दोनों का है लेकिन फर्क तरबियत का है। जिन्हें तरबियत दीन और दीनदारी के माहौल में मिली उनके लिए दीन पर अमल न करना मुश्किल। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم। ये अल्लाह ही है कि अल्लाह ताला ने ईमान और आमाल ईमान को अल्लाह ताला ने तुम्हारी नज़र में महबूब बना दिया और कुफ्र और फिस्क व फुजूर को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा बना दिया। ये अल्लाह का फजल है। तो जिन्हें दीनदारी की तरबियत मिली है उनके लिए दीन पर अमल न करना मुश्किल, लेकिन जिन्हें तरबियत बेदीनी के माहौल में मिली है उनके लिए दीन पर अमल करना मुश्किल। अब सवाल यह है कि जी माहौल, तो माहौल को हम कैसे बदलें, दीनी माहौल कैसे कायम करें? बात बिल्कुल ठीक है। बाजार का माहौल पे मेरा आपका इख्तियार नहीं, मोहल्ले के माहौल पे मेरा और आपका इख्तियार नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के माहौल पे मेरा और आपका इख्तियार नहीं, लेकिन एक माहौल, एक जगह ऐसी है जहां पर, जिस पर मेरा और आपका इख्तियार है, वो है मेरा और आपका घर।